नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहाँ पर DRDO ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत एंड उनके इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल फ्लाई टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी एक मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट एंड कम धुएं वाला नोजल लेस मिसाइल बूस्टर शामिल है। इस मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट ओडिशा के चंडीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लिया गया है और ये मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम अब DRDO को इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करने में काफी हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट ट्रायल मई 2018 में और सेकंड ट्रायल टेस्ट फरवरी 2019 में लिया गया था। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहाँ पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक 200 फीट लंबा बैले ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 13 बॉर्डर विलेजेस के लिए रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। बेसिकली एज यू नो, लास्ट मंथ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियर बर्स्ट के कारण फ्लैश फ्लड्स आ गए थे, जिस कारण उत्तराखंड में काफी एरियाज की कनेक्टिविटी टूट गई थी और काफी जानी माली नुकसान भी हुआ था। और तब से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन चमोली डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यू का काम भी कर रही है और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस की कनेक्टिविटी को भी रिस्टोर करने पर काम कर रही है। और इसी के अंतर्गत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस 200 फीट लंबे ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिखाया है। इस ब्रिज को जोशीमठ मलारी रोड पर ऋषि गंगा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी विलेज के पास सिचुएटेड है। और अच्छी बात तो यह है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रिज को सिर्फ 26 दिनों में ही कंस्ट्रक्ट कर दिखाया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बेसिकली फ्लैश फ्लड्स के कारण चमोली डिस्ट्रिक्ट से नीति बॉर्डर तक जाने के लिए जो एग्जिस्टिंग 90 मीटर लंबा ब्रिज था वो टूट गया था, जिसे अब दोबारा कंस्ट्रक्ट करके कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर देश में सेफर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इंश्योर करने और पैसेंजर्स की बेटर सेफ्टी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से व्हीकल्स की फ्रंट सीट पर अदर देन ड्राइवर सीट एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के सुजेशन के अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है, जिसके अंतर्गत अब हर फोर व्हीलर ओनर्स को ड्राइवर्स के बगल वाली फ्रंट सीट पर एयरबैग इंस्टॉल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। और इस कारण जो न्यू व्हीकल्स 1 अप्रैल 2021 के बाद मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनमें एयरबैग्स को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, और वहीं इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग व्हीकल्स उनको भी 31 अगस्त 2021 से पहले पहले एयरबैग इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो लद्दाख में प्रपोज्ड सोलर पार्क की कैपेसिटी को और इंक्रीज करने वाले हैं। बेसिकली जनवरी 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के कारगिल एंड लेह में एक 7.5 गीगावाट के सोलर पार्क को सेटअप करने का प्लान बनाया था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया और इस कारण ये प्लान अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख का प्लान बन गया। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इस प्रपोज्ड सोलर पार्क की कैपेसिटी को 7.5 गीगावाट से इंक्रीज करके 10 गीगावाट करने वाले हैं। इसके अलावा इस प्रपोज्ड 10 गीगावाट के सोलर पार्क में अप्रोक्सीमेटली 3.33 गीगावाट के विंड एनर्जी प्लांट्स को भी सेटअप किया जाने वाला है, और ये मेनली कारगिल, लेह एंड जंस्कार इन एरियाज में सेटअप किए जाएंगे। दोस्तों इस सोलर प्रोजेक्ट के लिए काफी लार्ज स्केल पर ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी, जिस कारण इस प्रोजेक्ट में एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। करंटली सोलर पार्क को सेटअप करने के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस प्रोजेक्ट के लिए DPR प्रिपरेशन का काम कर रही है और मार्च 2021 तक इस प्रोजेक्ट की पूरी DPR रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद इस पर कोई फर्दर काम किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रेलवेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेलटेल की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने अक्रॉस दी कंट्री 4,000 रेलवे स्टेशन पर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर दिया है। इन प्रीपेड प्लान्स की मदद से रेल यूजर्स एंड पैसेंजर्स अप टू 30 मिनट्स तक फ्री वाईफाई पर डे एट अ स्पीड ऑफ 1 Mbps तक यूज कर सकते हैं, और हाइयर स्पीड के लिए यूजर्स को नॉमिनल फी पे करनी होगी, जिसे यूजर्स OTP बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए अवेल कर सकते हैं। बेसिकली रेलटेल का प्लान है कि वो अक्रॉस दी कंट्री सभी रेलवे स्टेशन पर रेल वायर वाईफाई प्रीपेड सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं, जिस कारण उन्होंने 4,000 रेलवे स्टेशन पर उनकी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर दिया है, जिसे लॉन्च करने से पहले उत्तर प्रदेश स्टेट के 20 रेलवे स्टेशन पर टेस्ट किया गया था। और करंटली इन 4,000 सर्विस के अलावा रेलटेल मोर देन 5,940 रेलवे स्टेशन पर उनकी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है और आने वाले समय में ये नंबर्स और इंक्रीज होते हुए दिखने वाले हैं, ऐसी स्टेटमेंट रेलटेल PSU की तरफ से निकल कर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर चाइनीज पेरेंट कंपनी की इंडियन सब्सिडरी CRRC इंडिया, जो कि एक रोलिंग स्टॉक एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट की सिरी सिटी में उनका एक न्यू मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर लिया है। इस मेट्रो कोच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया गया है, जो सिरी सिटी में 45.3 एकड़स के एरिया में फैला है, और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इस साल के एंड तक ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा। CRRC इंडिया उनके इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मेट्रो कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करके देगी। एंड ऑलरेडी बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी को बेंगलोर मेट्रो के लिए 216 मेट्रो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दे दिया है। पर इस ऑर्डर की एक अच्छी बात यह है कि ये कंपनी इन सभी मेट्रो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50% से ज्यादा लोकल कंटेंट्स का इस्तेमाल करेगी और मोर देन 75% ऑफ मेट्रो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेगी, जिसे आने वाले समय में 90% तक कर दिया जाएगा। करंटली आंध्र प्रदेश सिरी सिटी में अल्स्टॉम एंड सीआरआरसी इंडिया दो बिगेस्ट रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेब्लिश हो चुकी हैं, जो इंडिया में मेट्रो रीडर्स की 70-80% रिक्वायरमेंट्स को अकेली ही पूरा करेंगी। यहाँ पर दोस्तों लीप डे निकल कर आ रही है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन को लेकर, जहाँ पर इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन को गोल्ड सर्टिफिकेशन या फिर यूं कहें कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सर्टिफिकेशन दे दिया है, जिसके बाद सीएसएमटी रेलवे स्टेशन आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला महाराष्ट्र स्टेट का पहला स्टेशन बन चुका है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन रेलवे 2023 तक नेट जीरो कार्बन मिशन वाला रेलवे सिस्टम बनना चाहता है, जिस कारण इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन एरियाज क्रिएशन, सोलर पैनल्स एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और उसी के अंतर्गत इंडियन रेलवेज अक्रॉस दी कंट्री सभी रेलवे स्टेशन पर वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग रेलवे स्टेशन पर सोलर पैनल्स, ग्रीन प्लांटेशन, एलईडी बल्ब्स, लाइट्स, पैसेंजर एमेनिटीज, चार्जिंग पॉइंट्स, स्टेशन क्लीनिंग एंड इससे रिलेटेड अदर प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। और जो रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के आईजीबीसी क्राइटेरिया को पास एंड कंप्लीट कर लेते हैं, उनको आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन या फिर ग्रीन सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है, जो अब महाराष्ट्र के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और अगर इनिशिएटिव्स की बात करें तो सीएसएमटी रेलवे स्टेशन में 15% एरिया ग्रीन प्लांटेशन से कवर्ड है, पार्किंग एरियाज में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, स्टेशन पर 245 केडब्ल्यूपी सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, 100% लैंप्स को एलईडी फिक्स्चर से रिप्लेस कर दिया गया है, 17 ऑक्यूपेंसी सेंसर्स को इंस्टॉल कर दिया गया है एंड इसके अलावा एफिशिएंट बीएलडीसी एंड एचवीएलएस फैंस, स्मार्ट पैसेंजर एमेनिटीज, वाईफाई, टूरिज्म इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग सेंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स, फार्मेसी एंड मेडिकल फैसिलिटी, फूड कोर्ट एंड अदर स्टेशन एंड पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। और ये इतने सारे रीजंस हैं जिस कारण सीएसएमटी को गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों लीप डे निकल कर आ रही है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, जहाँ पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पैंगोंग लेक के आसपास के इलाकों और रिमोट विलेजेस को इंडिपेंडेंस के बाद आज पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी मिल चुकी है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि पैंगोंग लेक एक बॉर्डर एरिया है, तो ऐसे में इन रिमोट एरियाज का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। पर क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट हमारे बॉर्डर एरियाज की कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान दे रही है, तो भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने पहली बार ऑलमोस्ट 73 ईयर्स के बाद पैंगोंग लेक के आसपास एक रिमोट विलेज में उनका मोबाइल टावर इंस्टॉल करके आसपास के विलेजेस फर्स्ट टाइम मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है। बेसिकली फर्स्ट टाइम मोबाइल कनेक्टिविटी मिलने के बाद यहां के लोकल रेजिडेंट्स काफी खुश थे और बीएसएनएल का ये इनिशिएटिव्स इस रिमोट एरिया को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।